हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जेजुआई का एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से राबते खत्म कर दिए। जेजुआई ने एहतजाजी तहरीक के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। जेजुआई ईद उल फितर के बाद एहतजाजी तहरीक चलाएगी। मौलाना फजल रहमान एहतजाजी जलसे करेंगे। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे फहीम अख्तर जी। फहीम बताइएगा, क्या शेड्यूल बनाया गया है? देखें, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जिन्नत उल मैस नाम ने एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से रबते मुंतबा करके और उनसे मुजाकरात के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। जराए बताते हैं कि जन्नत उल मैस नाम ने एहतजाजी तहरीक तैयार कर ली है, मनसूबाबंदी मुकम्मल है और एहतजाजी तहरीक ईद उल फितर के बाद चलाई जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने एहतजाजी जलसों की मंजूरी देते हुए मकामी क्यादत को जलसों का शेड्यूल भी दिखवा दिया है। पहले मरहले में जन्नत उल मैस नाम अपने प्लेटफॉर्म से जलसे करेगी। पहला जलसा ईद उल फितर के बाद बलूचिस्तान में, दूसरा सिंध जी। ठीक है फहीम, आपका शुक्रिया।